हेलो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनादर व्लॉग कैसे हो आप सब चलो आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आज के व्लॉग में आप मुझे पेनी और मम्मी के साथ टाइम बिताते हुए देखोगे मम्मी आई है कुछ दिन के लिए और मम्मी चली जाएगी अभी दो तीन दिन में पर जब तक है तब तक इस समय को इंजॉय करते हैं जब से मम्मी आई है ना तब से ऑलमोस्ट हर दिन मैं फ्लाइट के लिए जा रही हूँ एक्चुअली में बहुत ज्यादा फ्लाइट थी इसीलिए मैं पहले से ही जब भी मुझे मेरे स्केड्यूल गई थी ना तभी मैं पापा को बोल दी थी और हमारी जो स्केड्यूलिए थर्ड तक मुझे के मिल जाते है। होते है, उसमें आप पुल आउट होते हो फ्लाइट के लिए वो आपको पता नहीं रहती पर मोस्टली आपको एट्टी तो पता होती है कि आपके स्केड्यूल क्या होने वाली है ऑलमोस्ट सारे ही एयरलाइन में ऐसे होते हैं एक्सेप्ट एक दो एयरलाइन है जहाँ पे शायद उनको एक एक हफ्ते के या दो तीन दिन के स्केड्यूल मिलते हैं विच इज नॉट अ वेरी गुड थिंग टू बी ऑनेस्ट मेरे कुछ दोस्त लोग थे वो लोग काम करते थे जब मैं ये सुनी ना मुझे बहुत ऐसे अजीब सा लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब आज रात को पता चल रहा है कि कल क्या फ्लाइट है पर हाँ ऐसे भी होते हैं कोई कोई एयरलाइन में एंड यस uh, yes, अभी ना मैं चाय पीऊंगी और साथ में ये टोस्ट में ऑर्डर की थी मम्मी भी खाती है और फिर मैं भी खाऊंगी चाय के साथ पर uh, ये ना मैं जिप लॉक बैग में रख रही हूँ ताकि ये ऐसे सॉगी ना हो जाए नहीं तो सॉगी हो जाता है बहुत ही जल्दी दी। मैं तो बस इसे एक एक ही खाती हूँ इसीलिए मम्मी को बोल रही थी कि जितना भी रह जाएगा ना आप थोड़ा सा मेरे लिए छोड़ देना बाकी भाई के लिए लेके चले जाना क्योंकि ये खत्म ही नहीं होता है पेनी मांगती जरूर है देने से कहा भी लेगी पर उसको दे नहीं सकती ना अभी देखो मेरे को मांग रही थी पे ना फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ आके सो गई और मुझे भी बिस्तर ठीक करना है अंदर उठ ही नहीं रही है देखो तब से बोल रही हूँ चलो 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 पेनी ना बिल्कुल मेरी जैसी है सुबह उसको उठने का मन नहीं होता है भूख लगती थी एक बार खाना खा के फिर आ जाती है वापस से सो जाती है सुबह थोड़ी क्रैंकी भी

पूरा एकदम नीचे नहीं आ जाता मैंने ना एक वीडियो बनाई है शॉर्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूंगी आप देख लेना और मेरे फ्रेंड अभी और एक ब्रश मुझे रेकमेंड किए हैं हम मैं ये खरीदने के बाद उनको जब मेरे फ्रेंड लोग आए थे ना मैं उनको दिखा रही थी तो उन्होंने मुझे दूसरा एक ब्रश दिया जिसमें ना ऐसे ग्लू जैसा कुछ है मतलब एक काइंड ऑफ अ शीट विच हैज लिटिल बिट स्टिकी स्टिकी समथिंग जो आप ऐसे रोल करोगे तो सारे बाल चिपक जाएंगे और उसको आप रियूज कर सकते हो जब तक वो बाल चिपकते रहेंगे उसके बाद जब उसका ग्लू एकदम सूख जाएगा तब आपको ऊपर वाला कवर फेंक देना है एंड देन यू कैन यूज इट फॉर लाइक फ्यू मंथ तीन के सेट आते हैं वैसा कुछ वो मैं खरीदने वाली हूँ आपको उसका भी लिंक मैं दे दूंगी आप लोगों के पास भी पेट है ना तो आप लोग मुझे पूछ रहे थे और भी उनके बाल ऐसे लंबे लंबे होते हैं तो उसके लिए दैट ब्रश विल बी मोर यूजफुल अभी ना मैं काम वाम कर ली थी यूट्यूब का कुछ काम बचा था फिर थोड़ा काम अभी भी बचा है और मम्मी और पेनी जैसे इस कमरे में सो रही ना देख के मेरे से रेजिस्ट नहीं हुआ तो मैंने सोचा कोई नहीं मैं ाम को कर लूंगी काम अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेती हूँ फिर अभी शाम हो चुकी है मतलब होने ही वाली है और पेनी यहाँ पे ना उठ गई ऑलरेडी अभी थोड़ी ही देर में खाना मांगेगी पता नहीं कहाँ घड़ी है उसके पास वो मतलब टाइम टू टाइम उठ जाती है अगर मैं सो रही होती हूँ फ्लाइट से आके फिर मुझे उठाती है वो अगर अलार्म नहीं भी लगाओ ना अभी मुझे पता है की वो मुझे उठा देगी वैसे तो मैं अलार्म लगाती हूँ जब मैं फ्लाइट से आती हूँ मुझे पता है की बहुत टायर्ड हूँ शायद से मैं ऐसे सो जाऊंगी उठ नहीं पाऊंगी पर हाँ पेनी भी उठा देती है मुझे और यहाँ पे ना मैं ये लाइट चला रही थी मेरे जो स्किन केयर है उसके पीछे इंड वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी फिर मैं एक बार छत पे गई थी देखने के लिए कि कोई है कि नहीं बिकॉज नाउ इट्स क्वाइट हॉट तो इस समय ना बहुत लोग ऐसे छत पे आके बैठे होते हैं और इस बिल्डिंग में ना एक लेडी है शी इज रियली स्केयर ऑफ पेट्स और एक बार ऐसे पेनी को मैं छोड़ दी थी मुझे क्योंकि उस समय कोई आते नहीं था मुझे पता नहीं था और पेनी ऐसे भाग के आ गई एंड देन शी स्टार्ट शाउटिंग और ना मैं डर गई थी एक सेकेंड के लिए कि क्या कर दिया बिकॉज मुझे पता है पेनी ऐसे कुछ करने वाली तो नहीं है फिर मैं ऐसे भाग के आई छत पे और आके देखी पेनी खुद डर गई है जो चिल्लाई ना एंड देन शी इज लाइक ऐसे होके देख रही कि क्या कर दिया पर हाँ एक्चुअली मैं पेनी कुछ करती नहीं है मैक्सिमम वो चिल्लाएगी उससे ज्यादा कुछ नहीं भौकेगी दैट्स ऑल और फिर यहाँ पे बैठने की जो जगह है ना वहाँ पे बैठे हुए थे वो लोग अभी ना वो चले गए हैं तो मम्मी को जाके बोलती हूँ अगर मम्मी को छत पे आना है तो हम तीनों आएंगे फिर मैं जब नीचे गई तो मम्मी सेट की नहीं आज नहीं जाएंगे छत पे ऑलरेडी शाम हो चुकी है तो हम लोग बैठेंगे यहाँ पे क्योंकि इस समय भी बहुत ज्यादा मच्छर हो जाती है पता है और फिर हम विंडोज वगैरह भी बंद 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 कर देते हैं हैं मुझे तो तो ऐसे करके करके अच्छा नहीं नहीं लगता पर मम्मी की इस समय थोड़ा देर रखो नहीं तो सारे मच्छर घुस जाते ना और फिर रात भर परेशान करेंगे राधर अभी एक डेढ़ घंटे के लिए बंद कर दो फिर थोड़ी देर के बाद खोल देना शाम हो चुकी है और कपड़ा चेंज कर रही हूँ मैं क्योंकि ये कपड़ा पहन के खाना खाई थी क्योंकि अभी मैं पूजा करूंगी और मम्मी रहती है तो थोड़ा हेल्प हो जाता है क्योंकि देखो ये सारे कपड़े वगैरह मम्मी ऐसे उठा के रख दी है नहीं तो मैं खुद ही करती और इसीलिए ना दिन भर में मुझे और कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि ये छोटे छोटे काम करती रहती हूँ मैं और ये जो मैं बर्न करी हूँ दिस इज लोबान लोबान कैसे अगरबत्ती जैसा ही है इसके अंदर लोबान है तो फिर इसको जला दो इट्स रिल ईजी नॉर्मली करने से थोड़ा टाइम भी लगता है और क्या करती थी मैं ना हमारे घर पे ऐसे ही जो धूनी है उसके अंदर सब कुछ डाल के मैं थोड़ी देर हवा में रख देती थी छत पे नहीं तो बाहर कहीं पर और ऐसे अपने आप से जल जाता था पर यहाँ पे तो ऐसा फैसिलिटी नहीं इसलिए है ऑफकॉर्स इसीलिए इसमें ईजी पड़ता है दैट इज द रीजन आई गॉट दिस फ्रॉम एमेजोन और ये लोबान के जो मतलब अगरबत्ती बत्ती आपको तो पता ही होगा आप लोग भी शाम को ऐसे लोबान बर्न करते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना फिर मैं चेंज कर लूंगी एंड देन हम चाय पियेंगे जब तक मम्मी मतलब बहुत दिन के बाद आज मुझे छुट्टी मिली है उस दिन हमारे दोस्त लोग मेरे दोस्त लोग आए थे ना उसके बाद भी मैंने दो तीन फ्लाइटें करे हैं मैं उस दो तीन दिन में फिल्म नहीं किया क्योंकि थी बैक बैक टू फ्लाइटें हो रही थी। और मतलब ऐसे अर्ली मॉर्निंग सारी अभी कल मेरे दोपहर की फ्लाइट है दोपहर नहीं मतलब बजे और फिर परसों भी फ्लाइटें होगी अभी जो मैं फिल्म किया मुझे पता नहीं थी परसों मेरी स्टैंड बाई थी और आज भी मेरी छुट्टी नहीं थी आज भी स्टैंड बाई थी सम्हा मुझे बुलाया नहीं तो छुट्टी मान लो और फिर यहाँ पे ये डायरी मिल गई मुझे ये ना मेरे फ्लाइट की डायरी है जिसमें मैं हर रोज किसके साथ फ्लाइट कर रही हूँ कौन सी फ्ट है कहा से कहा तक जा रहे हैं कितने टाइम है मतलब फ्लाइट के टाइम ये सब कुछ लिख के लेके जाती हूँ तो ये मैं देख रही थी एंड इट्स लाइक द इनिशियल डेज शुरू में उस समय के जितने भी लोग थे ना सारे ही निकल गए हैं कंपनी से ऑलमोस्ट लाइक एटी बस कुछ ही लोग बचे हैं और पेनी देखो यहाँ पे फैल के सो रही है अभी भी गर्मी इतना ज्यादा नहीं पड़ा करके वो बेड में सो रही है जब भी गर्मी और ज्यादा बढ़ जाएगी ना तो फिर फ्लोर में सोएगी ऐसे जैसे फ्रॉग होता है ना वैसे करके बैठ जाती है ऐसे करके सोती है लुक्स रियली फनी मैं आपको कभी दिखाऊंगी यहाँ पे मम्मी चाय बना के लेके आई एंड मम्मी कुछ बोल रही थी फिर पराठा भी बना के लेके आई वैसे तो मैं पराठा वगैरह खाती ही नहीं हूँ मम्मी आती है तभी बनाती है लास्ट टाइम भी आके बोल रही थी जब भी आती है ना मम्मी बोलते पराठा बनाओ पराठा बनाओ मैं कुछ टाइम से मना कर रही थी तो आज इसलिए बोला कि नहीं बना दो और फिर थोड़ी ऑयली होते हैं ना तो ऑयली चीज़ें मैं अवॉइड ही करती हूँ ऊपर से मैदा जो है वो मुझे मतलब डाइजेस्ट नहीं होता अच्छे से इसलिए ब्रेड वगैरह भी मैं अवॉइड करती हूँ मतलब सैंडविचेज एंड एवरीथिंग नो थोड़े से मुझे एसिडिटी फील होती है उससे पर आज बहुत दिन के बाद खा के मुझे अच्छा लगा फिर यहाँ पे हम मखाना खा रहे थे दिस इज नॉट द सॉल्टेड वन और अनरोस्टेड भी है मतलब नॉर्मल जो मिलती है ना मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इट इज लाइक मूड़ी जैसा है uh, मूरी मीन्स पफ राइस और फिर पेनी भी मांगने के लिए आ गई देखो कैसे मांग रही है तो इसीलिए पेनी को भी थोड़ा सा दिया एंड डोंट वरी आई वॉश माई हैंड जब भी मैं खाना खिलाती हूँ पेनी को उसके बाद मैं हाथ धोती हूँ तभी खाती हूँ मुझे ऐसे भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जहाँ पे शायद आप लोगों को वो मैं दिखाती नहीं हूँ तो सोचती हूँ कि वैसे ही मैं खाना के लिए उसी हाथ से खा रही हूँ नहीं मैं हमेशा खाना खाने से पहले हाथ ती है और अगर मैं पेनी को खिला रही हूँ मैं खाते खाते जो उसको मैं दे सकती हूँ तो उसके बाद भी मैं हाथ धोती हूँ फिर यहाँ पे थोड़ी देर मस्ती कर रहे थे हम एंड आई ट्राइंग टू टू काइंड ऑफ कडल कडल हर बट देन शी इज नॉट रेडी उसको नहीं करना करना है 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 जब जब खुद को करना होता आ जाती है तब और जब मुझे करना है तब नहीं करने देगी तो जबरदस्ती कडल किया फिर यहाँ पे ना हम खाना खाएंगे रात को जल्दी सो रही हूँ क्योंकि कल भी फ्लाइट है और हाँ जो मैं आपको बोल रही थी कि मैं फ्लाइट के लिए पुल आउट हुई थी मतलब कल जो फ्लाइट के लिए जाऊंगी उस समय मुझे पता चलेगी जाते समय कि नेक्स्ट डे भी मुझे एक चार सेक्टर फ्लाइट दे दिए है स्टैंड बाई थी मेरी अब बैक टू तो बैक चार चार सेक्टर हो जाते हैं ना बहुत हेक्टिक हो जाती है बिकॉज चार सेक्टर में मोस्टली क्या होती है कि दो सेक्टर लंबे होते हैं ढाई ढाई घंटे के और बीच में दो सेक्टर ऐसे एक घंटे के होते हैं ये तो हो गया फ्लाइट का टाइमिंग उससे पहले बोर्डिंग होती है डिप्लेनिंग होती है ग्राउंड टाइम होती है फिर एक घंटे पहले हमें रिपोर्ट करनी होती है एयरपोर्ट और फिर फ्लाइट खत्म चार सेक्टर खत्म होने के बाद भी हमें अपना ऑफिस वापस आना पड़ता है पैसे सबमिट करने होते हैं सब कुछ करके उसमें भी चालीस पैंतालीस में तो लग ही जाते हैं फिर भी मैं एयरपोर्ट के पास रहती हूँ यही रीजन है कि मैं पास रहती हूं ताकि अब ऐसा नहीं बोलूंगी कि हाँ मेरे लिए टाइम नहीं बचता अब ये सारे तो मेरे लिए ही करती हूँ ना मतलब काम भी तो मेरा ही है बस पैर टाइम नहीं बचती है जिसमें हम थोड़े ऐसे वीडियोस देखे या सीरीज देखे एंड एवरीथिंग नो इसीलिए आप देखते होंगे कि कान में मेरी एयरफोन लगे होते हैं कुछ ना कुछ सुन रही होती हूँ देखने का टाइम तो नहीं मिलता पॉडकास्ट हो या फ्रेंड्स बहुत देखती मतलब सुनती मैं एंड अभी ना फ्रेंड्स में सारे लाइने याद है मैं सबके डायलॉग बता सकती हूँ ये ये और यहाँ पे देखो लग गया मुझे जोर से और यहाँ पे हर लग जाती है थोड़े से कंजेस्टेड हो गए ना ये जगह मैंने कंजेस्टेड करा है एक्चुअली और ये बेड ना ये ऐसी नहीं लेनी चाहिए थी मेरे दिमाग में कुछ और विजन था पर उस समय मैंने रियलाइज नहीं करा कि यहाँ पे वैसे मैं नहीं रख पाऊंगी अब भगवान की कृपा से कभी अगर मैं घर खरीदू तो वहां पे इसको मैं अच्छे से रखूंगी और अभी देखो सुबह उठी मैं अभी पौने नौ बज रहे होंगे पेनी आई है अभी उसको कडिल करना है तो अभी आ गई देख रहे हो मतलब जब उसको चाहिए तब आ जाती है पर जब मुझे चाहिए तब ऐसे बदमाशी करती है यहाँ पे आके वो बीच में सो रही है मतलब ये जो पिलो रखा है मैं सो रही हूँ उसके बीच में सोना है और थोड़ी देर के लिए अब खेलेंगे हम दोनों ऐसे ही और ना मेरे जो चेन है और फिर हाथ में मैं जो वो ब्रेसलेट पहन के रखती हूँ ये सब कुछ चबाने की कोशिश करती है, वो। पता नहीं, उसको है, खाने का चीज है। नहाना पड़ेगा बहुत सारे काम है पूजा भी करना पड़ेगा फिर खाना भी खाऊंगी मैं बहुत सारे काम है चलो जल्दी में कर लेती हूँ स्किन केयर थोड़ा सा जब मैं नहा के आती हूँ ना स्किन वेट रहता है उसी समय स्किन केयर करना स्टार्ट कर देती हूँ आपका स्किन अगर बहुत ज्यादा ड्राई है ना तो आप भी ये ट्राई करना ये हेल्प करती है अभी बाल भी सुखाने पड़ेंगे थोड़ा सा एयर ड्राई होने देती हूँ मैं इसको वैसे तो अभी गर्मी है दस मिनट में एयर ड्राई हो जाएगा इस समय से लेके शाम तक मेरे जो ऊपर वाले फ्लोर है ना एकदम तो काफी ज्यादा गर्म हो जाती है पर हाँ शाम के बाद फिर ठंडा हो जाती है आजकल ना इसमें तबीयत खराब हो रही है लोगों को क्या हो रही है की सुबह काफी ज्यादा ठंडी है फिर शाम के बाद भी रात को काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है वेदर और इस समय बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस माई डैड ऑल्सो गोट कोल्ड एंड एवरी तो मैं पापा को बोल रही थी, so थी। yes, ना राइस नहीं खाया जाता है ग्यारह नहीं बजी है अभी तक ग्यारह बजे में निकलूंगी और इतना सुबह में राइस नहीं खा सकती रोटी खा सकती थी बट मे को रोटी खाने में आलस आती है तो इसलिए मैंने मम्मी को कहा की आप केक दे दो मैं चाय और केक खा के चली जाऊंगी मैं फ्लाइट में खाना खा लूंगी लंच कर लूंगी फ्लाइट में फिर यहाँ पे मैं रेडी हो गई और मेरे बाल भी ड्राई हो गए हैं पर आज मुझे ब्लो ड्राई करने का टाइम नहीं मिला था मोस्टली मैं ब्लो ड्राई करती हूँ टेन परसेंट पर आज ऐसे ही सूख गई है देन मेरे पास टाइम भी नहीं है तो छोड़ो ऐसे ही चली जाऊंगी वैसे तो प्रेजेंटेबल ही लग रही है फ्लाइट के लिए ना आपके हेयर आपके मेकअप सब कुछ थोड़े प्रेजेंटेबल रखने होते हैं और इसीलिए मैं हेयर शॉर्ट रखती हूँ ताकि बन बनाने में मुझे टाइम ना वेस्ट करना पड़े बन बनाने के लिए पंद्रह बीस मिनट लग जाते हैं तो पता है और यहाँ पे मम्मी को स करके हक करके मैं निकल जाऊंगी मैं लौटूंगी रात को रात को शायद बजे लौटूंगी अगेन एंड लुक एट मॉम अभी मम्मी ऐसे कैमरे में ज्यादा नहीं आती है ना मम्मी को पसंद नहीं है जिस कमरे में मैं फिल्म करती हूँ कुछ भी करती हूँ मम्मी दूसरे कमरे में नहीं तो हॉल में बैठी होती है और यहाँ पे पेनी को जेलस फील कराने के लिए हम ऐसे कर रहे थे मैं हक करी थी मम्मी को अब बुला रही थी वैसे तो आज आती है पता नहीं क्यों नहीं आ रही है आज सो रही है यहाँ पे और डीवॉर्मिंग किया है ना मैंने तो जिस दिन डि करती हूँ उसके एक दो दिन तक वो थोड़ी सी ऐसे मतलब पता नहीं में शायद कुछ होंगे थोड़ा सा पोटी भी करती है फिर दो दिन से बीमार रहती है थोड़ा ऊपर तो तो थोड़ा देर वेट करना पड़ा और फिर अभी लास्ट सेक्टर हम लैंड हो गए हैं बैक टू कोलकाता चार सेक्टर काफी हेक्टिक थी आज और छोटू सा एयरक्राफ्ट लैंड हो रहे थे ये एटीआर है बहुत ही छोटा सा इसमें शायद सेवेंटी सीट्स है फिर मुझे लैंडिंग देखने में बहुत अच्छी लगती है मैं आपको भी दिखाती हूँ दूसरे वाले उधर खड़े है लैंडिंग के बाद वो टेक ऑफ होगी उसकी और फिर देखो बस टच डाउन होने वाली थी उसमें ये गाड़ी कहाँ से पता नहीं आ गए और लैंडिंग देखना नहीं हुआ ये हमारे फ्यूल की गाड़ी है जिसमे तेल आती है तेल तो नहीं है फ्यूल है मतलब वही सेम ही समझ लो फिर मैं पहुंच चुकी हूँ घर और पेनी आई है घर दरवाजा खोलने के लिए मम्मी खोल के गई है दरवाजा पर पेनी आती है दरवाजा अगर हो सकता तो खोल देती पक्का से पता है मुझे और फिर थोड़ा बहुत कडलिंग अगेन चलो फिर मेकअप रिमूव कर लेती हूँ अभी फ्लाइट से लौटने के बाद जैसे ऐसी लंबी दिन होती है ना फिर मेकअप रिमूव करने का मन ही नहीं करता है पर दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली मेरे जैसे लोगों के लिए क्योंकि मेरी स्किन काफी ज्यादा ऑयली और प्रोन है और कोई कोई मेरे कली ऐसे बोलते हैं कभी कभार कि रात को वो लोग ना ऐसे विदाउट रिमूविंग द मेकअप द स्लीप और मैं उनके शक्ल देखी लिटरली उनके शक्ल पर एक ऐसे दाग भी नहीं है दीज आर रियली लकी पीपल बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि यू आर लकी यू हैविंग अ गुड स्किन बट नो आई वर्क फॉर इट चलो अभी ना ये जेम स्टोन्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोग पूछते रहते हो कि ये कहाँ पे मिलेगा इसका लिंक दे दो ये कहाँ से बनवाई है तो ये ना जेम स्टोन्स मेरे मम्मी पापा दिलवाए हैं बचपन में बहुत सालों से पहन रही हूँ मैं इसको और ये लोकल शॉप से बनाई हुई है अब ये किसी एस्ट्रोलॉजर ने सजेस्ट किए थे और मेरे पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं जहाँ पे किसी ने मुझे गलत रेमेडी दी थी उसके बाद से ना मैं मतलब आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी एंड एवरीथिंग थिंग पर जो इंसान करते हैं ना उसके ऊपर बिलीव करना मेरे लिए थोड़ी मुश्किल है क्योंकि बहुत सालों से मैं वो जेम भी पहनी और उसके वजह से कुछ चीज़ें हुए भी होंगे मेरे साथ तो अब जो भी है इन डिटेल नहीं बता रही हूँ बस इतना बोलना चाहती हूँ आपको कि ये सब चीज़ें ऐसे हैं कि गलत करने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकती है आपको तो गलत से बेटर आप ना ही करो और मैं बस इसको अपने फैमिली वालों के तसल्ली के लिए पहन के रखती हूँ एट द फर्स्ट प्लेस और मुझे लगती है ना आप जिनको भी मानते हो आप भरोसा रखो उन पर आपको ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है आप मेरे से इन्फ्लुएंस होते हो तो इसीलिए मैंने सोचा आपको बता दू अभी मैं अलार्म लगा रही हूँ कल सुबह उठनी पड़ेगी मुझे कल भी फ्लाइट है चार सेक्टर चलो सो जाते हैं आज के लिए इतना ही मैं आपके साथ मिलूंगी फिर से आप अपना फीडबैक बताना और लाइक करना मत भूलना है बाय बाय टेक केयर सी यू अगेन वेरी सुन